आज के समय में शायद हर घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है। अधिकतर घरों में ये नहीं पता कि उनकी पूजा के नियम क्या हैं। बहुत सारे भक्त यही प्रश्न करते हैं, बार बार पूछते हैं, और उनके मन में एक भ्रम की स्थिति भी रहती है कि पूजा कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, कब लगाएं, उनके सोने के नियम क्या हैं, उठाने के नियम क्या हैं, वगैरह वगैरह। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देंगे, एक एक नियम हम बताएंगे। बस आप पूरा वीडियो देखना और ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले जब हम उठें तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम भगवान को उठाएं, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें कि आप स्नान करने के बाद ही उनके मंदिर में प्रवेश करें। हम उन्हें उठाते हैं, जब स्नान करने के बाद उनके मंदिर में जाएं तो सबसे पहले घंटी बजाकर ही उन्हें उठाएं। अगर घंटी आपके पास में नहीं है तो ताली बजाकर उठाएं, और उठते ही उनके सामने सबसे पहले आपको भोग रख देना है। उनको उठते ही भूख लगती है, आप कथाओं में सुनते भी हैं। आप कहोगे कि बिना स्नान कराए या बिना आरती करे भोग लगाना क्या उचित है? हाँ जी, सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा ही ऐसी है जिसमें पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद में आरती होती है। बाकी और देवताओं का ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इनको बच्चे के रूप में पूजते हैं और सेवा करते हैं। भोग में यदि हो सके तो इन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है, माखन मिश्री अगर हो सके तो लगाएं उनका भोग, अगर ना हो तो ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, या फिर दूध का, या फल का, या मीठे का, यानी जो भी आपके पास में शुद्ध और पवित्र है उसका हमें भोग लगाना चाहिए। इसके बाद इनको स्नान कराएं, और ध्यान रखें लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास में उपलब्ध है दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सादा जल, पवित्र जल से इन्हें स्नान कराएं। हाँ, इसके बाद टावल से इनको अच्छे से इनके शरीर को पोंछकर सबसे पहले इनके शरीर पर इत्र लगाएं। इत्र इनको बहुत पसंद है, सुंदर वस्त्र पहनाएं, और इसके बाद भगवान को थोड़ा सा चंदन लगाएं माथे पर। और ध्यान रखें कि चंदन कौन सा होना चाहिए, बोले गोपी चंदन, भगवान कृष्ण को यानी ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो गोपी चंदन इनको लगाएं। फिर सुंदर मुकुट, माला, कुंडल, हाथों में कड़े, सुंदर इनका श्रृंगार करें, और जब श्रृंगार इनका हो जाए तो फिर इनकी नजर उतारी जाती है। हाँ, इनको नजर बहुत लगती है, तो नजर उतारने के बाद इनकी आरती करें, और इसके बाद दोपहर में इनको सबसे पहले जो भी हमारे घरों में भोजन बनता है वो भोजन का भोग लगाएं। और ध्यान रखें भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाँ ये जरूर ध्यान रखना। और भोग लगाएं, और भोग जब लगाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते। हाँ, अपना उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डाल दें। और ऐसा भी नियम है कि जब आप भोग लगा रहे हैं भगवान का, जब ये भोजन भोजन को यानी भोग को कम से कम 5 से 7 मिनट तक इनके सामने रख देना चाहिए, और पर्दा लगा देना चाहिए, और मन ही मन ये भाव लाना चाहिए कि प्रभु हमारे भोजन पा रहे हैं। उसके बाद ही 5-7 मिनट के बाद ही भोजन की थाली वहां से हटानी चाहिए। इसके बाद कुछ देर बाद इनको फिर दोपहर में सुलाया जाता है, ये विश्राम करने चले जाते हैं। सोने के बाद जब शाम को उठते हैं 5-6 बजे, तो उठते ही इनको फिर भूख लगती है, फिर थोड़ा सा भी आपके घर में जो भी उपलब्ध है, ड्राई फ्रूट वगैरह या जो भी मीठा है, फल है, उसका इनको भोग लगाएं। हाँ, और फिर इसके बाद कुछ देर बाद इनकी आरती करें, और आरती के बाद फिर घर में जो भोजन बना है आपका उसका भोग लगाएं, और उसके ठीक 1 घंटे बाद सोने से पहले यानी इनको सुलाने से पहले फिर दूध का भोग इन्हें जरूर लगाया जाता है। और इनका ठाकुर जी का एक नियम और है, इनको कम से कम 4 बार भोग लगना ही चाहिए। 4 बार का तो नियम है, बाकी ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप बाजार जाएं, अच्छी अच्छी चीजें इनके लिए लाएं, कोई अच्छी मिठाई लाएं जो पवित्र बनी हो, शुद्ध बनी हो, अच्छे अच्छे फल लेके आएं और इनको भोग लगाएं। और जब भी भगवान को भोग लगाएं, नियम यह है तुलसी दल जरूर डालें, और जब ये भोग पालें उसके बाद पूरे घर में थोड़ा 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 सबको बांटना चाहिए, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानां, ठाकुर जी के भोग को जो खाता है उसके अंदर की सारे रोग खत्म हो जाते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जो तुलसी दल भोग में आप डालते हैं वो साबुत पत्र होना चाहिए, साबुत पत्ता होना चाहिए तुलसी का। बहुत से लोग उसमें से आधा कट कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुलसी दल ताजा तोड़ें और पूरा ही पत्ता डालें। हाँ, और कभी भी भगवान के भोग में बासी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। बहुत सी माताएं क्या करती हैं, तुलसी दल इकट्ठे करके रख लेती हैं और एक कटोरी में रख लेती हैं, फिर वो बासी हो जाती है, सूखती जाती है, उसी में से तोड़ती हैं और उनको डालती रहती हैं। ना, ऐसा कोई नियम नहीं है, केवल
महीने में एकादशी जब आती है या रविवार जब आता है, सिर्फ एक दिन पहले तोड़ा हुआ तुलसी दल का पत्ता उन्हें चढ़ाया जाता है, बाकी हर दिन उन्हें ताजा तुलसी दल तोड़कर ही भगवान के भोग में तुलसी दल डालना चाहिए। और अभी तो गर्मियां चल रही हैं और ज्यादा गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों में कैसे करें लड्डू गोपाल जी की पूजा, इसके भी कुछ नियम है। गोपाल जी को गर्मियों में जल्दी उठाना चाहिए, प्रातःकाल यानी सूर्योदय से पहले उनका स्नान हो जाना चाहिए, उनका श्रृंगार हो जाना चाहिए और उन्हें तैयार करके उनका भोग भी लग जाना चाहिए। हाँ, और गर्मियों में उन्हें हमेशा ध्यान रखें ठंडे या ताजा जल से ही स्नान कराने का नियम है। जैसे सर्दियों में तो उन्हें हम गर्म गुनगुने पानी से नहलाते हैं, वैसे ही ठंडियों में हमें ताजा जल से या ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए। गर्मियों के दिनों में गोपाल जी को हमेशा ध्यान रखें कॉटन के ही वस्त्र पहना, यानी सूती के, या फिर बाजार में नेट वाले यानी जाली वाले भी वस्त्र मिलते हैं गर्मियों के, भगवान को वही वस्त्र पहना है। लेकिन गर्मियों में तीन जगह ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, वहां कहां बोले एक तो माथे पर लगाया जाता है, एक कपोलों में लगाया जाता है और एक हाथों में लगाया जाता है। इससे क्या होता है, चंदन उन्हें ठंडक देता है, उनको प्रिय होता है, इसलिए तीन जगह चंदन लगाएं। गर्मियों में इत्र भी ठंडा वाला लगाना चाहिए, और ठंडे वाले इत्र होते हैं दो एक, में तो मैं बता रहा हूँ, जैसे खस का हो गया, मोगरे का हो गया, चमेली का हो गया, ये कुछ ठंडे इत्र हैं, इन्हें उनकी मालिश करनी चाहिए। अगर इत्र ना हो तो घी से भगवान की कभी कभी मालिश जरूर करें गर्मियों में। गोपाल जी के आसपास खूब सारे पुष्प बिछा दे चारों ओर, जिससे कि उन्हें ठंडक मिलती रहे। और उनके पास हमेशा ध्यान रखें गर्मियों में ताजा जल या ठंडा जल एक पात्र में, चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में, कभी भी स्टील का प्रयोग भगवान के भोग के लिए या भगवान के जल के लिए नहीं करना चाहिए। या तो चांदी का पात्र हो, चांदी का ना हो तो तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, वो भी चलेगा, जो मिट्टी के आते हैं मटके या छोटे छोटे, तो उनको रखें। पानी को भी जब भगवान के बगल में रखें तो ध्यान रखें हर घंटे या हर दो घंटे में वो पानी चेंज हो जाना चाहिए, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें। और इसके बाद गर्मियों में उनके आसपास यानी बगल में या इधर उधर या तो पंखा लगा दें, पंखे की व्यवस्था हो तो, और कूलर की व्यवस्था हो तो कूलर, उनके छोटे छोटे कूलर आते हैं बाजार में, और यदि एसी लगा हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे उन्हें गर्मियों में राहत मिलेगी और आप पर वो बहुत प्रसन्न होंगे, आपकी सेवा पूजा से वो रीझ जाएंगे। बहुत सारी स्त्रियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि उनके घर में उनके अलावा पूजा करने वाला ठाकुर जी की दूसरा कोई सदस्य नहीं होता। अगर महीने में जब पीरियड्स आते हैं तो महिलाओं के सामने ये समस्या हो जाती है कि पीरियड्स के समय ठाकुर जी की सेवा कौन करे, उनको अकेले छोड़ भी नहीं सकते, भूखे भी नहीं छोड़ सकते, प्यासे भी नहीं छोड़ सकते, तो ये बहुत अहम समस्या हो जाती है, कोई करने वाला नहीं। तो इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, वो ध्यान से सुने, ये आपने आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आज आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। करना क्या है, पीरियड्स के समय आपसे बिना पूजा किए बिना ना रह जाए तो एक काम करें, प्रातःकाल स्नान करें, इसके बाद मंदिर जहां है आपका उससे थोड़ी दूर एक आसन बिछा के बैठ जाएं, थोड़ा दूर, और ये आसन बिल्कुल अलग होना चाहिए, जो तुम्हारा रोज का आसन है वो नहीं होना चाहिए, अलग हो। फिर एक परात लें या बड़ी सी थाली लें, उसको अच्छे से साफ कर लें और उसमें थोड़ी सी मिट्टी और पानी ले लें, और उसे पानी मिला के मिट्टी में उसको एक बच्चे का आकार दे दें, जैसे कुमार घड़ा बनाता है तो आप बच्चे जैसा, ठाकुर जी जैसा, उसको एक बालक जैसा बनाएं। और फिर भगवान कृष्ण का कोई भी सरल सा मंत्र या भगवान कृष्ण का, ठाकुर जी का जो गोपाल जी है, उनका चिंतन करते हुए उस मिट्टी के बच्चे के आकार को लड्डू गोपाल का ही स्वरूप माने, और फिर मिट्टी से बने गोपाल जी पर कच्चा दूध, फूल और एक फल चढ़ाएं। इसके बाद उनको माखन का भोग लगाएं, और माखन का भोग लगाने के बाद उनकी आरती उतारें, और इसके बाद उसी प्रतिमा को दूध में ही घोल दें पूरी तरह से। हाँ, और प्रसाद के रूप में परात या थाली से बस एक फल निकाल लें, जो फल चढ़ाया था उसको निकाल लें, बाकी मिट्टी, फूल, माखन, दूध सब सबको मिश्रण कर लें, यानी उसको मिला दें अच्छे से, और उसी को फिर ले जाकर उसी पूरी सामग्री को जो मिलाई हुई है उसको तुलसी के पौधे में डाल दें, और फिर तुलसी जी को दूर से प्रणाम कर लें और उनके आगे एक दीप जलाएं यानी दीपक जलाएं, और अंत में जो आसन पे तुमने ये पूजा की थी उस आसन को उठाएं, भगवान को प्रणाम करें, आसन को अलग रख दें क्योंकि अगले दिन फिर से ये प्रयोग में लाना है, और फिर भगवान को आप प्रणाम कर लें। यदि इस विधि से कोई भी महिला, कोई भी कन्या पीरियड्स के दिनों में पूजा करती है ठाकुर जी की, तो लिखा है कि भगवान उनके इस भक्ति से और भाव से
कि उस स्थिति में भी आपने पूजा नहीं छोड़ी, वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि आपको मनचाहा फल दे देंगे, ये 100% गारंटी है।